राधे राधे भक्तों, आज हम बात करेंगे कार्तिक अध्याय 2 के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। बोलिए विष्णु भगवान की जय, माता लक्ष्मी की जय। श्री कृष्ण भगवान बोले, हे प्रिय, जब गुणवती ने राक्षस द्वारा अपने पिता और पति का मरना सुना तो दुखित हुई और रुदन करने लगी, हे स्वामी, हे पिता, आप मुझे छोड़कर कहाँ चले गए? मैं आपके बिना क्या करूं? अब मेरे भोजन वस्त्र का प्रबंध कौन करेगा? अब मैं किसकी शरण लूं? मैं विधवा हो गई हूं, विधाता का मेरे ऊपर कोप हुआ, मैं कैसे जीऊं? श्री कृष्ण जी बोले, कुकरी के समान विलाप करती हुई, हवा से हिलते हुए केले के पत्ते की तरह कांपती हुई वे पृथ्वी पर गिर पड़ी। थोड़ी देर में सावधान होने पर फिर विलाप करने लगी और शोक समुद्र में डूब गई। उस गुणवती ने घर की सब वस्तुएं बेचकर यथाविधि से अपने पति की पारलौकिक क्रिया की और उसी नगरी में विष्णु भगवान की भक्ति में तत्पर होकर इंद्रियों को वश में कर शांति से रहने लगी और मरण तक एकादशी और कार्तिक मास के व्रतादि करती रही। हे प्रिय, यह दोनों व्रत मुझे अत्यंत प्यारे हैं। इसके करने से भोग और मोक्ष की प्राप्ति होती है, पुत्र और संपत्ति मिलती है। कार्तिक तुला राशि पर सूर्य निकलने पर महापापी जो भी प्रातःकाल स्नान करते हैं वे भी मुक्ति को प्राप्त होते हैं। जो मनुष्य स्नान, जागरण, दीपदान और तुलसी का पालन करते हैं वे विष्णु के रूप हैं। विष्णु भगवान के मंदिर में झाड़ना, सतिया काढ़ना तथा विष्णु की पूजा आदि का कार्य जो मनुष्य करते हैं वह जीवन मुक्त होते हैं। इस प्रकार वह गुणवती हरेक वर्ष कार्तिक व्रत और विष्णु भगवान का नित्य ही पूजन करती रही। एक समय वृद्धावस्था के कारण दुर्बल होने से रोग और ज्वर से पीड़ित होने पर भी गंगा स्नान को गई। ज्यों ही पानी में उतरी जाड़े के मारे कांपने लगी। उसी समय गुणवती ने आकाश से आता हुआ विमान देखा। शंख, चक्र, गदा, पद्म आदि आयुधों को लिए हुए विष्णु के रूप धारण करने वाले पार्षद गरुड़ की ध्वजा वाले अप्सराओं से युक्त ऐसे विमान में बिठाकर वैकुंठ को ले गए। प्रदीप्त अग्नि के समान कीर्ति वाली गुणवती विमान में बैठी हुई कार्तिक व्रत के प्रभाव से मेरे पास आ गई। तब ब्रह्मादि देवताओं की प्रार्थना से मैं पृथ्वी पर आया, जब वे गण भी मेरे साथ आए। हे भामिनी, यह सब यादव मेरे गण हैं और तुम्हारे पिता देव शर्मा भी इस जन्म में सत्राजित हुए और तुम्हारे पति चंद्र शर्मा इस जन्म में अक्रूर हुए। और हे देवी, तुम वही गुणवती हो जो कार्तिक के स्नान के प्रभाव से मेरे लिए अत्यंत प्रिय हो। तुमने तो मेरे मन मंदिर के सामने तुलसी का बगीचा लगाया, उसी से यह कल्प वृक्ष तुम्हारे आंगन में है। कार्तिक में जो पहले तुमने दीपदान किए हैं उसी फल से तुम्हारे सुंदर देह और घर में लक्ष्मी देवी का निवास है। जो संपूर्ण व्रतादिक पति स्वरूप भगवान को अर्पण किए थे इसीलिए तुम मेरी पत्नी बनी हो। और तुमने जन्म मृत्यु तक जो कार्तिक व्रत उपवास किए हैं इससे तुम्हारा वियोग मुझसे कदापि नहीं होता। इसी प्रकार कार्तिक में व्रत करने वाले तुम्हारे समान मेरे प्रिय होंगे। सूत जी बोले, सत्यभामा जी अपने पूर्व जन्म का सब हाल जानकर बड़ी प्रसन्न हुई। तो इस तरह हमने कार्तिक अध्याय 2 संपन्न किया। कल हम बात करेंगे कार्तिक अध्याय 3 के बारे में। राधे राधे।